अज्ञात सन्यासी से विश्व विजयी विवेकानंद होने की यात्रा में अल्मोड़ा का योगदान। लेखक मोहन सिंह मनराल, अल्मोड़ा। उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी नगर अल्मोड़ा में सन 1890 में एक सन्यासी का प्रवेश होता है। फिर 7 वर्ष बाद वही सन्यासी विश्व विजयी विवेकानंद के रूप में इसी शहर में मखमली कालीनों पर चढ़कर तुमूल हर्ष ध्वनि के साथ पदार्पण करता है और कहता है, यह वही स्थान है जहां मैं बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूं। इस स्थान के प्रति स्वामी जी का स्नेह या आकर्षण केवल कहने भर की बात नहीं, अपितु अपनी महान विजय यात्रा में इसे भागीदार बनाने का प्रमाण है। यह कैसे संभव हुआ, इसके लिए हमें उनकी 3 अल्मोड़ा यात्राओं और उस समय हुए उनके अनुभवों व घटनाओं का विवेचन करना होगा। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार इस छोटे से नगर वो इसके आसपास घटी घटनाओं बीज रूप में घटित हुई और वे आगे चलकर विशाल वटवृक्ष बनकर आच्छादित हो गई। सर्वप्रथम हम उन्हें अज्ञात सन्यासी के रूप में सन 1890 में अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ अल्मोड़ा में देखते हैं। अल्मोड़ा पहुंचने से पूर्व 24 किलोमीटर दूर कोसी नदी के तट पर काकड़ी घाट नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें महान आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसके बारे में वे अपने गुरु भाई से कहते हैं, आज एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। मैंने जान लिया कि विश्व ब्रह्मांड और अनुब्रह्मांड दोनों एक ही नियम से परिचालित होते हैं। इस अनुभूति को एक बीज कहा जा सकता है जो उनके पश्चिमी देशों में दिए गए व्याख्यानों में अभिव्यक्त हुई। जैसे 19 जनवरी 1896 को न्यूयॉर्क में विश्व बृहत ब्रह्मांड शीर्षक से दिए गए व्याख्यान में उन्होंने कहा, वो जगत का उपादान और निमित्त कारण है। क्रम संकुचित होकर वही अणु का रूप धारण करता है और फिर वही क्रम विकसित होकर पुनः ईश्वर बन जाता है। सन 1895 में अपनी शिष्य मंडली के सम्मुख में संत जनकृत सुसमाचार की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, आदि में शब्द ब्रह्म था, वो शब्द ब्रह्म के साथ विद्वान था और वो शब्द ही ब्रह्म के साथ विद्वान था और वो शब्द ही ब्रह्म है। हिंदू लोग इसको माया या ब्रह्म का व्यक्त भाव कहते हैं। काकड़ी घाट की अनुभूति के बाद वे अल्मोड़ा के निकट करवला नामक स्थान पर भूख प्यास से थकान से निढाल हो जाते हैं। एक मुसलमान फकीर द्वारा उन्हें ककड़ी खिलाकर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। जब वे उससे ककड़ी तोड़कर मुख में देने को कहते हैं तो वो संकोचवश अपनी विवशता जताता है। इस पर स्वामी जी के मुंह से अचानक निकल पड़ता है, तो इसमें क्या हुआ, क्या हम सब भाई नहीं हैं? यही वाणी विशाल आकार धारण कर 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म महासभा के मंच से मेरे अमेरिकन बहनों और भाइयों के रूप में गूंज उठी, जिसने प्रत्येक को तालियां बजाने पर विवश कर दिया था। इस प्रवास के दौरान वे अल्मोड़ा नगर से कुछ दूरी पर स्थित कसार देवी पहाड़ी की एक गुफा में साधना के लिए गए, किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए। उनके हृदय पट उन्मुक्त नहीं हुए और वे तनाव से भर उठे। इसी समय उनके भीतर अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव के शब्द जागृत हो उठे, जिन्हें उन्होंने अपनी अंत लीला के समय कहा था। जब उनसे गुरुदेव ने पूछा था, तू क्या चाहता है, और उन्होंने कहा था, निर्विकल्प समाधि में निरंतर डूब जाना। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा था, मैंने सोचा था कहां तू एक विशाल बट वृक्ष की भांति होगा, तुम्हारी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे और कहां तू ऐसा न होकर अपनी मुक्ति चाहता है, ये तो अत्यंत तुच्छ बात है। नहीं रे, इतनी छोटी दृष्टि मत रख। इस बात का स्मरण होते ही स्वामी जी के भीतर अपने गुरुदेव के कार्य हेतु प्रबल आकर्षण का अनुभव हुआ।
और वे सर्वजन मुक्ति महायज्ञ में आहुति देने को प्रस्तुत हुए और प्रसन्नचित अल्मोड़ा लौट आए। इस प्रकार अल्मोड़ा को ही यह श्रेय जाता है जहाँ से स्वामी जी भावी कार्य हेतु संकल्पबद्ध होकर भारत भ्रमण पर निकल पड़े और आगे चलकर वे उसी वट वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठापित हुए जैसे उनके गुरुदेव चाहते थे। अल्मोड़ा वापस लौटकर उन्हें अपनी बहन की आत्महत्या का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें आघातित तो किया ही साथ ही कुछ सोचने को बाध्य कर दिया। भारत की नारियों की संकटग्रस्त दशा के उन्नयन हेतु कुछ करने का संकल्प लिए वे अल्मोड़ा से चल पड़े। कहना न होगा कि इसी संकल्प ने आगे चलकर भगिनी निवेदिता को भारत की सेवा के लिए लाने और नारी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में लगा दिया। इसी प्यास ने आगे चलकर नारियों के लिए शारदा मठ की स्थापना को जन्म दिया, जिसकी एक शाखा आज अल्मोड़ा के उसी कसार देवी पर्वत पर स्थित है जहां स्वामी जी ने ध्यान किया था। इस प्रकार अल्मोड़ा की धरती से भावी विवेकानंद के कार्यों का बीजारोपण हुआ, यह कहने में कोई संकोच नहीं है। स्वामी जी की अल्मोड़ा यात्राओं के दौरान उनके अनेक गुरु भाइयों ने भी अल्मोड़ा में तपस्या की। पाताल देवी नामक मंदिर के पास स्वामी शारदानंद और शिवानंद जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे, तब इंग्लैंड के एक साधक स्टर्डी महोदय का उनसे परिचय हुआ था। इन गुरु भाइयों के मुंह से उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना और इंग्लैंड लौटकर स्वामी जी को लंदन आदि स्थानों पर वेदांत प्रचार के लिए आमंत्रित किया और वे स्वामी जी के सहायक बने थे, जिसकी नींव भी अल्मोड़ा में ही पड़ी। इस बारे में योगनायक विवेकानंद खंड 2 पृष्ठा 190 पर लिखा गया है, श्री टी ई टी स्टडी हिंदू भावों से अनुप्राणित थे तथा किसी समय उन्होंने अल्मोड़ा अंचल में तपस्या की थी। इनकी मित्रता स्वामी जी के लिए बड़ी फलदायी सिद्ध हुई। आज से 125 वर्ष पूर्व 11 मई 1897 को स्वामी जी दूसरी बार अल्मोड़ा आते हैं, परंतु इस बार विश्व विजयी विवेकानंद के रूप में भव्य स्वागत के बाद अल्मोड़ा वासियों की सभा में वे एक सार्वजनिक रूप में अपने हिमालय मठ के संकल्प की घोषणा करते हैं, जो आगे चलकर पहले अल्मोड़ा फिर मायावती में स्थापित होता है। इस 81 दिनों के सबसे लंबे प्रयास में वे 47 दिन यहां से दूर देउलधार नामक स्थान में निर्जन में विश्राम में बिताते हैं। इस दौरान वे अनेक पत्र लिखकर अपनी बातों से हमें अचंभित करते हैं। ऐसे 22 पत्र उनकी पत्रावली में संग्रहित हैं। यहाँ हम उन्हें एक नए रूप में पाते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपना लीला अभिनय समेटने की ओर बढ़ रहे हैं, उसी अल्मोड़ा की भूमि से जहाँ से उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। हम कुछ पत्रों और उनकी देववाणी से इसका प्रमाण देखेंगे। 9 जुलाई 1897 को वे कुमारी मेरी हिल को लिखते हैं, मैं जानता हूँ मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, अधिक से अधिक 3 या 4 वर्ष आयु और बची है, मुझे अपनी मुक्ति की इच्छा बिल्कुल नहीं है, मुझे केवल अपने यंत्र को मजबूत और कार्योपयोगी देखना है। इसी पत्र में वे आगे लिख रहे हैं, मेरी अभिलाषा है कि मैं बार बार जन्म लूं और हजारों दुख भोगता रहूं, ताकि मैं उस ईश्वर की पूजा कर सकूं जिसकी सचमुच सत्ता है, सबसे बढ़कर सभी जातियों और वर्णों के पापी तापी और दरिद्र रूपी ईश्वर ही मेरे विशेष उपास्य हैं। इसी पत्र में वे अपने बारे में रहस्योद्घाटन करते हुए लिख रहे हैं, लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे क्या परवाह, वे तो अभूत बालक हैं, मैं जो कि आत्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ, क्या बच्चों की तोतली बोलियों से अपने मार्ग से हट जाऊं, मेरे पीछे जो शक्ति है वो विवेकानंद नहीं स्वयं ईश्वर है और वही सब ठीक जानता है। भारत की नारियों विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्थान के लिए वे भगिनी निवेदिता को आमंत्रित करते हैं।
किंतु उनके सामने अनेक चुनौतियां थी जिन्हें दूर करना आवश्यक था। अल्मोड़ा के इस प्रवास में वे इन समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हुए उन्हें लिखते हैं, मुझे विश्वास है कि भारत के काम में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आवश्यकता है नारी की, पुरुष की नहीं, सच्ची सिंहनी की, जो भारतीयों के लिए, विशेषकर नारियों के लिए काम करे। परंतु कठिनाइयां भी बहुत है। यहाँ जो दुख, कुसंस्कार और दासत्व है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। इस प्रकार अपने गुरु भाई अखंडानंद द्वारा राहत कार्य करने का समाचार पाकर उन्मुक्त हृदय से उन्हें आशीर्वाद देते हुए लिखते हैं, इसी प्रकार के कार्य द्वारा जगत पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। शाबाश, मेरे लाखों आलिंगन और आशीर्वाद स्वीकार करो। कर्म कर्म कर्म, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। इसी पत्र के अंत में वे अल्मोड़ा के इस विश्राम पर्व के समापन का संकेत दे रहे हैं और कर्म के प्रति छटपटाहट प्रकट करते हुए लिखते हैं, मैं शीघ्र ही नीचे मैदानी क्षेत्र में जाने वाला हूँ। मैं योद्धा हूँ और रणक्षेत्र में भी मरूंगा। क्या मुझे यहाँ पर्दानशीन औरत की तरह बैठना शोभा देता है? कर्म के प्रति अपने समर्पण के शब्द को उन्होंने जिस महायज्ञ का शुभारंभ किया था उसे गति देने का कोई अवसर वे चुकना नहीं चाहते थे। इसलिए हिमालय के शांत नीरव निर्जन में भी वे जगत को कर्मवीर होने का संदेश देते जा रहे थे। जिसके लिए उन्होंने इतना प्राणपण परिश्रम किया था कि इतनी कम आयु में ही उनका स्वास्थ्य टूट गया था, किंतु उनका साहस अक्षुण्ण था और वे जीवन के अंतिम क्षण तक इसी प्रकार योद्धा विवेकानंद होकर आत्मोत्सर्ग करना चाहते थे। अल्मोड़ा से लिखे उनके इन पत्रों से यही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। एक वर्ष बाद 17 मई 1898 को वे तीसरी वो अंतिम बार अपने गुरु भाइयों वो पश्चिमी देशों से आए शिष्यों वो शिष्याओं के साथ अल्मोड़ा आते हैं, जिनमें सेविया दंपति व भगिनी निवेदिता तथा मैकलाउड प्रमुख थी। वे अल्मोड़ा के पश्चिमी छोर पर स्थित थॉमसन हाउस और शिष्याएं पास ही ओकेले हाउस में ठहराई जाती हैं। इस प्रवास को शिष्याओं के शिक्षण प्रशिक्षण को समर्पित करते हुए माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना घटी। निवेदिता को महान आशीर्वाद या स्पर्श कर ज्ञान प्रकाश देना कहा जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा और भारत की सेवा के संकल्प से निवेदिता के मन में उत्पन्न अंतर्द्वंद को स्वामी जी अपने शुभ आशीर्वाद से सदा के लिए दूर कर देते हैं। उनकी एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है और वे स्वयं को पूरी तरह स्वामी जी के कार्य हेतु समर्पित कर देती हैं। इस घटना का साक्षी भी अल्मोड़ा ही बनता है। इस प्रवास के अंतिम भाग में स्वामी जी को कई शोक समाचारों से आघातित होना पड़ता है। इनमें उनके आशु लिपिकार गुडविन और प्रबुद्ध भारत मद्रास के संपादक राजम अय्यर के आकस्मिक निधन प्रमुख थे, किंतु स्वामी जी का एक निर्णय नए युग को प्रारंभ करता है। वे निश्चय करते हैं कि कैप्टन सेवियर और स्वरूपानंद अल्मोड़ा से प्रबुद्ध भारत को पुनर्जीवित करें। इसी के साथ अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस को स्वामी जी के प्रथम हिमालय मठ और प्रबुद्ध भारत के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन का गौरव मिलता है, जहां से अगस्त 1898 में इसका पहला अंक प्रकाशित होता है। बाद में तब अल्मोड़ा में ही स्थित मायावती में स्वामी जी का मठ अद्वैत आश्रम स्थापित होता है, जहां वे कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं। उनकी ही इच्छा से 1915 में श्यामलाताल और 1916 में श्री रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा की स्थापना होती है, जो आज उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने में लगी है। परंतु अल्मोड़ा को ही यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि वो स्वामी जी के इस युगांतकारी कार्यों में काम आया। अल्मोड़ा से सदा के लिए विदा लेने से पूर्व स्वामी जी उस पर्वत शिखर पर 3 दिन ध्यानस्थ रहे।
जिसके पाद प्रदेश को कोशी नदी प्रक्षालित करती हुई उस काकड़े घाट से आगे बढ़ जाती है, जहां स्वामी जी को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। वो था स्याही देवी का पहाड़, जो अल्मोड़ा के पश्चिम में स्थित है। इस पर्वत पर साधना से लौटने पर स्वामी जी ने कहा था, वे अभी भी वही सनातन धर्म के आदर्श सन्यासी हैं, जो करतल भिक्षा तरु तलवास करते हुए विचरण करते रहे हैं। पाश्चात्य देशों का निवास उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाया है। इस संतोष के साथ वे 11 जून 1898 को अल्मोड़ा से विदा लेते हैं। अल्मोड़ा को स्वामी जी का जितना स्नेह मिला, संभवतः अन्य किसी पहाड़ी नगर को नहीं मिला। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह वही स्थान है जहां से उन्होंने अपने कर्म यज्ञ का आरंभ करने का संकल्प लिया था। अल्मोड़ा वो स्वामी विवेकानंद एक दूसरे से इस तरह जुड़ गए कि एक के बिना दूसरे का स्मरण अधूरा लगता है। उनके कारण यह छोटा सा नगर विश्व में जाना पहचाना जाने लगा। उन्हीं के कारण यह नगर सदा सदा के लिए श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़े सन्यासियों व अनुगत भक्तों के लिए तीर्थ बनकर रह गया, जहां सर्वदा उनका आवागमन लगा रहता है। उन्हीं के कारण इस सुंदर पहाड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती है। ऐसे महानायक शिवावतार स्वामी विवेकानंद को नंदा सुनंदा की लीला भूमि अल्मोड़ा और अल्मोड़ा वासियों का शत शत प्रणाम। जय स्वामी जी।